good morning students i am your english teacher arte pal today we will study english ncert class fifth the name of the chapter is flying together so let's start to understand it students chapter's name is flying together flying means urna together means ek saath so let's start to understand this what are some of the things your parents and teachers tell you to do on time wo kya kaam hai जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स कहते हैं कि आप उन कामों को टाइम पर करो गेट अप इन द मॉर्निंग सुबह टाइम से उठो डू दी होमवर्क आपको जो भी होमवर्क मिला है वो होमवर्क करो पैक क्यों स्कूल बैग और अपना स्कूल बैग पैक करो नेक्स्ट वॉट हैपेंड वेन यू डिड डू एज दे आस्ट यू टू डू बेटा तब क्या होता है जब आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं ऐसा कुछ करने के लिए और वो आप ना करें तब क्या होता है डीप इन अ फॉरेस्ट टू अ वेरी टॉल ट्री एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रोंग आर्म उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेज ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी की किसी पर्सन की स्ट्रोंग आम्स दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड ईज अब यह ट्री जो है यह पेड़ एक वाइल्डगीज का घर बन बन गया था फ्लॉक मीस में फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आपने सुना ही होगा बर्ड्स के झुंड को हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं तो गीज़ गीज़ भी बर्ड्स ही हैं तो ये जो ट्री है वो वाइल्ड बाइल्ड गी, वाइल्ड गीज़ के ग्रुप का घर बन गया था दे फेल्ट सेफ देयर गीज़ का जो झुंड था वो वहाँ पर उस पेड़ पर बहुत सेफ़ महसूस करता था अपने आप को वन ऑफ़ द गीज़ वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड उन सभी गीज में एक गीज जो है वो बहुत ओल्ड और बहुत ही समझदार था ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ़ द ट्री उस वाइज उस समझदार ओल्ड गीज़ ने नोटिस किया कि जिस ट्री पर वो लोग रहते थे उस ट्री के फुट पर उस ट्री के ज़मीनी जड़ वाले हिस्से पर एक छोटा सा क्रीपर उग रहा था ही स्पोक टू दी अदर बर्ड्स अबाउट इट अब उस समझदार गीज़ ने दूसरे अपने दूसरे बर्ड से कहा उस क्रीपर के बारे में बताया कि ये छोटा सा क्रीपर है ये इसकी जड़ पे निकल रहा है डू यू सी दैट क्रीपर उसने कहा कि क्या तुमने उस क्रीपर को देखा ही सेट टू देम उस समझदार गीज ने दूसरे बर्ड्स को बोला लेट डिस्ट्रॉय इट चलो हम इसको ख़त्म कर देते हैं डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट कर देना ख़त्म कर देना तो उस समझदार वाले ने अपने दूसरे फ्रेंड से कहा कि चलो इसको ख़त्म कर देते हैं वाई मस्ट बी डिस्ट्रॉएड आस्क द गीज इन सरप्राइज तो बाकी जो दूसरे गीज थे उन्होंने सरप्राइज़ आश्चर्यचकित चकित होते हुए उस समझदार वाले गीज से कहा कि क्यों हम इसको क्यों ख़त्म करेंगे इट इज़ सो स्मॉल यह तो बहुत छोटा है वॉट हार्म कैन इट डू ये हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है माई फ्रेंड्स रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड समझदार ओल्ड बर्ड ने कहा मेरे प्यारे दोस्तों दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो ये जो छोटा सा क्रीपर तुम्हें दिख रहा है ना ये बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाएगा एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री जैसे जैसे ये पेड़ के तरफ चढ़ता हुआ आएगा इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग ये और ज़्यादा मोटा और और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये क्रीपर वॉट ऑफ दैट आज दीज तो गीज ने कहा कि तो क्या हुआ उसका उससे क्या होगा वॉट हार्म कैन अीपर डू अस तो अगर यह क्रीपर बड़ा हो भी गया स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये हमें कैसे हार्म पहुँचा सकता है हार्म मीन्स होता है नुकसान होना तो यह क्रीपर बड़ा हो जाएगा तो हमें क्या नुकसान पहुँचाएगा डोंट यू सी रिप्लाई द वाइस बर्ड वाइस बर्ड ने रिप्लाई करते हुए कहा कि तुम्हें पता नहीं है विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट्स इट विल बी पॉसिबल फॉर सम वन टू क्लाइम दिस ट्री क्या तुम्हें पता नहीं है या तुमने देखा नहीं है कि अगर ये क्रीपर स्ट्रोंग हो जाएगा तो इस क्रीपर की हेल्प लेकर कोई भी इस ट्री पर ऊपर चढ़कर आ सकता है अ हंटर कैन कम ऑल एक शिकारी ऊपर आ सकता है इसकी हेल्प लेकर के और हमें मार सकता है वेल देयर इज़ नो हरी देर अप्लाइड तो दूसरे बर्ड्स ने दूसरे गीज ने बोला कि ठीक है सही कह रहे हो लेकिन अभी कोई इतनी जल्दी नहीं है द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल क्रीपर बहुत छोटा है अभी इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ अभी उसको ख़त्म करने में थोड़ा सा बुरा लगेगा डिस्ट्रॉय दीप क्रीपर वाइल्ड इट इज़ स्टिल यंग द ओल्ड बर्ड एडवाइज नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली ये बेटा डिस्ट्रॉय द कीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग दूसरे क्री, दूसरे गीज ने बोला कि इस क्रीपर को थोड़ा और बड़ा होने तो तब हम इसको ख़त्म करेंगे द ओल्ड बर्ड एडवाइज लेकिन जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसने एडवाइज किया नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली अभी यह बहुत सॉफ्ट है और अभी हम इसको आराम से कट कर पाएंगे लेटर लेटर मीन्स होता है बाद में लेटर इट विल बिकम हार्ड लेकिन बाद में यह बहुत हार्ड हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट और तुम इसको नहीं काट पाओगे क्योंकि बहुत हार्ड हो चुका होगा विल सी वी विल सी आंसर द बर्ड्स दूसरे गीज़ ने कहा कि ठीक है देख लेंगे ओके okay, देख लेंगे बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर लेकिन दूसरे जो गीज़ थे उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया ख़त्म नहीं किया दे फॉर गॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइज अब क्या हुआ बेटा कि वो जो दूसरे गीज थे वो उस वाइज समझदार ओल्ड बर्ड की सलाह भूल गए एज द क्रीपर ग्रो जब क्रीपर बड़ा हो गया इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री अब बेटा वो जो क्रीपर था ना वो बड़ा हो करके अब आप देखो ये आप देख रहे हैं ना कि ये क्रीपर इस ट्री के कैसे चारों तरफ राउंड राउंड करके बड़ा हो गया अब ये बड़ा हो चुका है ठीक है बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर इट बिकेम अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया आप इस पिक्चर में भी देखिए कि ये क्रीपर बड़ा होकर के और स्ट्रांग हो गया है अनटिल इट वॉज एज अ स्ट्रांग एज अ थिक रोप अब बेटा वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो एक मोटी सी रस्सी की तरह हो गया है रोप मीन्स रस्सी वन मॉर्निंग एक सुबह की बात है वेन द गीज हैज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड जब वो सभी गीज जो हैं फूड की सर्च में खाने की खोज में बाहर गए हुए थे अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट तभी एक शिकारी उस जंगल में आया फॉरेस्ट में सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव ही सेट टू हिमसेल्फ उस हंटर ने अपने आप से बात की कि यहाँ पर गीज़ रहते हैं गीज़ कहाँ रहते हैं वेन दे कम बैक इन द इवनिंग जब वो शाम को आएंगे आई शेल कैच दैम मैं उन सबको पकड़ लूँगा द हंटर क्लाइंब्ड अप द ट्री अब जो शिकारी था वह उस पेड़ पर चढ़ा विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर उसी क्रीपर की हेल्प लेकर आप बेटा इस ट्री के नीचे देख रहे हैं ना ये शूज़ ये स्लीपर उतरी हुई हैं तो हंटर ने अपनी स्लीपर उतारी और वो उस क्रीपर की हेल्प लेकर पेड़ पर चढ़ा द हंटर क्लाइंट ऑफ द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर क्रीपर की हेल्प लेकर हंटर पेड़ पर चढ़ा ही गोट टू द टॉप एंड वह पेड़ के सबसे ऊपर टॉप पर पहुँच गया एंड स्प्रेड हिज नेट देयर और वहाँ पर उसने अपना नेट नेट मीस जाल बिछा दिया देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे और इसके बाद वह नीचे उतर के आया और वहाँ से चला गया इन द इवनिंग उस शाम को द गीज़ रिटर्न होम सभी गीज़ अपने घर वापस आए गीज़ का घर था कहाँ था पेड़ पर था देट नॉट नोटिस द नेट उन गीज़ ने बेटा नोटिस नहीं किया कि कोई हंटर जो है यहाँ पर नेट बिछा कर गया है एज दे फ्लू इन टू द ट्री जैसे ही वो सब उड़कर पेड़ पर गए दे वर ट्रैप्ड ट्रैप्ड मीन्स होता है फंस जाना जाल में फंसना वे सभी फंस गए दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट उन सब ने बहुत स्ट्रगल किया कि उस नेट से बाहर निकल आए बट कुड नॉट लेकिन वो नहीं निकल पाए हेल्प हेल्प क्राइड द गीज वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट ओ वॉट शेल वी डू अब वो सभी गीज़ जो हैं चिल्लाने लगे मदद करो मदद करो हमारी हम सब शिकारी के जाल में फंस गए हैं ओ वॉट शेल वी डू तो अब हमें क्या करना चाहिए डोंट मेक अ फर्ज नाव से दाइज ओल्ड बर्ड जो समझदार ओल्ड बर्ड था उसने कहा कि परेशान मत हो और मुझे कन्फ्यूज़ मत करो लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बहुत टाइम पहले मैंने तुम्हें कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो खत्म कर दो बट यू डिड नाट लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया नाउ सी वॉट हैज़ हैपेंड अब देखो कि क्या हो गया है टमोरो मॉर्निंग द हंटा विल कम बैक कल सुबह हंटर आए वापस आएगा एंड किल अस ऑल और हम सबको मार देगा वी वर फुलिश द बर्ड्स अब जो दूसरी बर्ड्स थीं वो सब रोने लगी और उन्होंने कहा कि हम मूर्ख थे वी वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू हमें माफ़ कर दो हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी प्लीज़ टेल अस वॉट टू डू अब हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज वर्ड तब उस समझदार ओल्ड बर्ड ने कहा कि ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो वेन द हंटर कम्स यू जब सुबह हंटर तुम्हारे पास आएगा यू मस्ट ऑल प्रीटेंड टू बी डेड प्रीटेंड मीन्स होता है दिखावा करना तो ओल्ड वाइज वाइज गीज ने कहा दूसरी बर्ड से कि सुबह जब हंटर तुम्हारे पास आए तो तुम ऐसे दिखावा करना जैसे तुम लोग मर गए हो जस्ट लाइ स्टिल द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स अब जो शिकारी है वो मरी हुई बर्ड्स को नहीं चाहता ही विल थ्रो अस टू दी ग्राउंड और वह हम सबको उठाकर ज़मीन पर फेंक देगा इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन और जब वो जब तक वो ऊपर से नीचे उतरेगा कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम जब वह नीचे उतरेगा मरी हुई बर्ड्स को उठाने के लिए अपने घर ले जाने के लिए वेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली up एंड फ्लाई फ्लाई अवे जब तक वो नीचे उतरेगा तब तक हम क्विकली जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री अगली सुबह हंटर उस पेड़ पर वापस आया एंड अप पेड़ पर ऊपर चढ़ कर गया ही लुग्ड एट द गीज इन द नेट उसने देखा कि गीज जो है जाल में सारी मरी हुई हैं दे आर ऑल डेड वो सब मर चुकी हैं ही मटर्ड टू हिमसेल्फ मटर्ड मीन्स होता है फुसफुसा के बात करना तो उस हंटर ने अपने आप से ही बात की मन में बात की ही थ्र्यू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन उसने उसने उन सभी वर्ड्स को एक एक करके नीचे फेंक दिया दर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन वो सभी बर्ड्स तब तक ज़मीन पर पड़ी रहीं जब तक सारी बर्ड्स नीचे नीचे गिर जाती तब तक वो वहीं पर पड़ी रहीं और ऐसे शो किया कि वो सब मरी हुई हैं देन ऑल एट वंस जैसे ही सभी बर्ड्स नीचे पहुंची तभी वो सब एक साथ दे अप वो सब एक साथ उठी फ्लैप्ड देयर विंग्स अपने पंखों को फड़फड़ाया एंड फ्लू अवे और वो उड़ गईं हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज अब जो शिकारी था वो सरप्राइज हो गया फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉश्ड ऑल द गीज़ फ्लाई अवे और वो बेटा नीचे भी नहीं उतर पाया वो पेड़ से ही देखता हुआ सरप्राइज हो गया उसने पेड़ के टॉप पर खड़ा हुआ था वहाँ से ही देख के सरप्राइज़ होता रहा कि सारी गीज़ जो हैं वहाँ से उड़ गई हैं सो नाउ माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल थैंक यू एंड हैव डे